हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा होम्योपैथिक मेडिसिन सिलिशिया के बारे में। मेरे प्रैक्टिस में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ सिलिशिया यूज़ करता हूँ वो सारी बातें आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं स्किन प्रॉब्लम में यूज़ करता हूँ। सिलिशिया को सर्जन नाइफ बोलते हैं। सर्जन नाइफ मतलब जो ऑपरेशन में डॉक्टर नाइफ का जहाँ यूज करता है वहाँ सिलिशिया देने से ऑपरेशन टल जाता है, वो नाइफ का यूज ही नहीं करना पड़ता है। ऐसे कौन से केसेस है? ज़्यादातर बॉइल के केस, आपको पता है कि फोड़ा हुआ है लेकिन उसमें पस नहीं बनता है, वो जल्दी पकता नहीं है। तो सिलिशिया मैं 200 पोटेंसी में सुबह शाम कुछ दिन, मतलब 4-5 दिन दूंगा, तो उसमें वो जो पस है वो कलेक्ट हो जाएगा। अगर वो फैला हुआ है तो इकट्ठा हो जाएगा और अपने आप रप्चर हो जाएगा। पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब फोड़ा फूट गया, या तो कई केसेस में वो पस बनने की प्रोसेस ही रोक देता है और पस नहीं बनता है और ऐसे ही उसको सुखा देता है। और जहाँ पिंपल्स होते हैं पस वाले, उसमें मैं सिलिशिया यूज करता हूँ। फिश्चुला, आपको पता है फिश्चुला मतलब वहाँ एक कैनाल बनती है और खास करके फिश्चुला मतलब टट्टी की जगह, वहाँ से पस बाहर आता रहता है, तो इसमें ऑपरेशंस एमएस डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सिलिशिया कुछ समय तक लेने से पक्का उसमें फायदा होता है और ऑपरेशन टल जाता है। आपको पता है कि नेल्स के आसपास में पस बन जाता है, कई बार पानी में काम करने की वजह से या तो केमिकल में काम करने की वजह से नाखून के आसपास पस बन जाता है, वहाँ भी ये सिलिशिया देने से पस सूख जाता है। इनग्रो टोनेल मतलब नाखून है ना, चमड़ी के अंदर चला जाता है और वहाँ एक इन्फेक्शन बन जाता है। ये दवाई को मैं ऐसा है कि थोड़ा भी कहीं इंजरी हुई वो पस बन जाता है, मतलब वो पक जाती है। ये सिलिशिया के स्किन सिम्टम्स बहुत अच्छे से मैं यूज करता हूँ। नाखून में ऐसा है कि नाखून में वाइट डार्क बन जाते हैं, नाखून ब्रिटल हो जाता है, मतलब नाखून जल्दी टूट जाता है, रफ हो जाते हैं, तो नाखून के केसेस में सिलिशिया अच्छा काम करती है। ये दवाई मैं ज़्यादातर मेंटल सिम्टम्स पे देता हूँ। मेंटल सिम्टम्स क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी इन गोइंग टू पब्लिक, मतलब कहीं पर भी जाना है पब्लिक में तो पेशेंट को फील होता है लोग मुझे ऑब्जर्व करेंगे, और ये पेशेंट अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करता है, मतलब उनकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई है, मेंटली थक जाते हैं, कंफ्यूज पेशेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी में, राइटिंग वाइज वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, और उनको हमेशा ये डर रहता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग मेरी कैपेसिटी को मेरे सामने देख रहे हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो एग्जाम फियर में, पब्लिक में जाने के डर में मैं सिलिशिया काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ। पेशेंट नर्वस फील करता है अपने आप को, लोग अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा फीलिंग होता है। सिलिशिया 1 mg पोटेंसी में रिपीट नहीं करना है, 1 mg पोटेंसी का एक डोज दिया, फिर वेट करो 10 दिन 15 दिन महीना भर, और पेशेंट में कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो उसकी मेंटल थकावट है, कन्फ्यूजन है, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। पेशेंट सिलिशिया के बच्चे कैसे होते हैं? तो वो हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको आप थोड़ा भी बोलो ना तो वो रो पड़ते हैं, ऐसे बच्चे हैं सिलिशिया के। सिलिशिया में कॉन्स्टिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होगा कॉन्स्टिपेशन में? स्टूल बाहर आएगा लेकिन वो वापस अंदर चला जाता है, स्टूल रेक्टम में कई समय तक पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि वो उसकी कैपेसिटी नहीं, रेक्टम की कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टूल को बाहर निकाले। ये पेशेंट कैसा होता है? उसको ठंड बहुत लगती है, थोड़ी भी ठंड वो सहन नहीं कर पाता है, वो अपने आप को कवर करके रखेगा, वो एक्सरसाइज करेगा तो भी जैसे उसकी बॉडी में हीट ही नहीं है, और ठंड की वजह से वो परेशान हो जाता है, और ये पसीने की वजह से परेशान हो जाता है। पेशेंट को सिर में पसीना होता है, ज़्यादातर पैरों में पसीना होता है, हाथ में पसीना होता है, और पसीने में बदबू आती है, और पसीने की वजह से उसके पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर की उंगलियों के बीच
यहाँ के इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ मेरी क्लिनिक में पेशेंट्स जब भी शूज निकाल के बैठते हैं तो उनके पैर में से, उनके शॉक्स में से बहुत बदबू आती है। और बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन और सप्रेस स्वेटिंग, मतलब एक पसीने को कैसे भी करके वो सप्रेस कर देगा क्योंकि पसीने से परेशान हो जाता है, या तो पाउडर लगाएगा या तो कोई ट्रीटमेंट करवाएगा और पसीने को सप्रेस कर देता है। और ये सप्रेस स्वेटिंग की वजह से जो भी बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और हम होम्योपैथिक में वैक्सीन देते ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग को रहा नहीं जाता है और होम्योपैथिक में बाद में आते हैं, वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं। तो वैक्सीनेशन देने के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, ये सिलिशिया का एक सिम्टम्स है। सिलिशिया हेडेक के लिए, माइग्रेन जैसे हेडेक के लिए बहुत अच्छी दवाई है। माइग्रेन में पता है कि भूखे रहने से या नींद नहीं होने की वजह से सिर दर्द होता है, सिलिशिया में ऐसा ही होता है। लेकिन सिलिशिया का पेन है ना पीछे से शुरू होगा, पीछे से शुरू के पूरे हेड को ट्रैवल करके वो राइट आई के ऊपर, ओनली वन आई, राइट आई के ऊपर सेटल होता है। और ये पेशेंट को ठंड हवा लग गई, सिर में थोड़ी भी ठंडी लग गई तो हेडेक शुरू हो जाता है। तो पेशेंट क्या करेगा, उसको बांध के रखेगा, गर्म कपड़े से सिर को लपेट के रखेगा और पेशेंट जब यूरिन जाता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। लेडीज में कॉन्स्टिपेशन पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के वक्त उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। ये मेडिसिन जहां भी पस है, गले में अगर पिंसी बोलते हैं, पस फॉर्मेशन हो गया है, कान में से रसी आ रही है, कान की हड्डी सूड गई है, या तो नाक में से बदबू आ रही है, नाक की स्मेल चली गई है, नाक बंद हो गया है और नाक में पपड़ी बन जाती है, तो जैसे ही वो पपड़ी को निकालता है उसको प्रॉब्लम होता है, उसमें से खून आता है, तो जहाँ भी पस होता है आप सिलिशिया यूज करिए, पस को वो निकाल देगा बहुत अच्छे से। पस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि ये पेशेंट को रात को चलने की आदत होती है, रात को उठ के वो चलने लगेगा। दूसरा कि जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है तब सिलिशिया के पेशेंट्स को तकलीफ होने लगती है, न्यू मून एग्रावेशन। दूसरा कि ये पेशेंट वीक होता है, आप सिलिशिया पेशेंट को देखोगे तो वीक होगा। क्यों वीक होगा, खाना तो बराबर खाता है लेकिन खाना जो खाता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और उसमें से जो उसको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उसका एंकल वीक होता है तो ये वीकनेस की वजह से उसको चलना लेट सीखता है। तो ये ज़्यादातर ये सारे सिम्टम्स में मैं बहुत अच्छे, और भी बहुत सारे सिम्टम्स है उसमें, पिनमेनिया भी है, फिक्स हेडिया भी है, और लेडी फीमेल्स के भी बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, आँख के बहुत अच्छे सिम्टम्स है। लेकिन मैंने अभी वही बात शेयर की है कि जहाँ मैं सिलिशिया यूज़ करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन ये दवाई की पोटेंसी 200 या 1 mm पोटेंसी में ही यूजुअली यूज करना चाहिए। बहुत ये रिपीट करने की दवाई नहीं है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। बाल मतलब पेशेंट कैसा लगेगा, ओल्ड लुकिंग लगेगा, मतलब जो उसकी एज है उससे भी वो थोड़ा ओल्ड एज में लगेगा और उसकी वजह से उसको बाल चले गए हैं इसलिए भी वो थोड़ा बुढ़ा टाइप दिखेगा। तो सिलिशिया बायोकेमिक में भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स देती है 3x 6x पोटेंसी में, लेकिन ज़्यादातर मैं बायोकेमिक यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए आपको सलाह देता हूँ कि जब भी आप दो तो कॉन्स्टिट्यूशनली दवाई दो, लेकिन लेक ऑफ वाइटल हीट ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है, पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, ये जरूर देखना आपको। जब भी आप सिलिशिया प्रिस्क्राइब करते हो तो ये सिम्टम्स जरूर आपको ऑब्जर्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you.